हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बोट के अवंटी 2000 साउंड बार का क्विक रिव्यू करके दिखाया था, जो कि 160 वाट के साउंड बार तथा 80 वाट के सब वूफर के साथ में आता है, जो कि एक वायरलेस सब वूफर के साथ में आता है। तो इस बार मैं आपको उसका साउंड टेस्ट और कुछ उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये देखिए, काफ़ी ग्लॉसी फिनिश के साथ में आया है। ये ग्लॉसी फिनिश है ऊपर, और ये बोट की ब्रांडिंग बीच में दी गई है। ये अभी समय ऑन है, तो ये माइनस का सिंबल बन करके आता है। और इसी के साइड में देखेंगे तो मैं आपको वहां पे बता दे रहा हूँ। ये अगर देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिख के आ रहा होगा स्टैंड बाई, पावर बटन आ रही है, वॉल्यूम की आ रही है, और प्लस माइनस एंड यूएसबी। यहाँ पर जो यूएसबी का ऑप्शन दिखा रहा है, ये आपके गाने वगैरह के लिए आप लगा करके इस पर डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ डेडिकेटेड की दी गई हुई है, ठीक है। अगर ये स्टैंड बाई का मतलब, अगर कभी आपका मान लीजिए ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट कर रहा है, तो ये जो पावर बटन दिख रही है यहाँ पर आपको ऊपर सबसे शो कर रहा है, इसको आप थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये जो आइकन है ये ब्लिंक होने लगेगा। जैसे कि अभी माइनस आ रहा है, ये यहाँ पर ब्लिंक होगा, उसके बाद आप इसको पेयर करा पाएंगे। ठीक इसी की तरफ यहाँ पर भी एक एक्स का सिंबल बना हुआ है, ये एक ग्लॉसी फिनिश देता है। इसके बैक पैनल में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ऑप्टिकल केबल के लिए आपका दिया गया है, जिसे ऑप्टिकल केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, HDMI आर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, AUX केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के तरह आप कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से। तो साथ में जो इसका सब वूफर है, ये सब वूफर दिखा दे रहा हूँ, ये भी ग्लॉसी फिनिश पर दिया गया है, ब्लैक कलर की, इस पर पन्नी चढ़ी हुई है, बोट की ब्रांडिंग है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये इसका रिमोट है, इसकी डेडिकेटेड की मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है। पावर बटन है, म्यूट है पावर, आप जैसे पावर यहाँ से ऑन करेंगे उसके बाद ही चालू होगा। गाने को म्यूट कर सकते हैं, पेयर कराने के लिए पेयर कर सकते हैं। इनपुट में जैसे आप कुछ भी अपना सोर्स ऑप्शन है, आप जहाँ पर HDMI लगाना चाह रहे हैं या आर के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे हैं, HDMI आर के थ्रू कनेक्ट करना है, AUX केबल के थ्रू कनेक्ट करना है, वो मोड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से तेज़ धीमा कर सकते हैं, सॉन्ग चेंज कर सकते हैं। एक खास बात यह कि जब ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो आपको बार बार फ़ोन पर, जैसे अगर कोई कॉल आ जाती है, घर में कोई आ जाता है, आपको एकदम से बंद करना है, वो ध्यान नहीं रहता है, साउंड बंद करना है, तो आप यहीं से अगर रिमोट के इस बटन को प्ले कर देंगे, यहाँ पे पॉश करेंगे, तो डायरेक्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट भी होगा फ़ोन आपका, तो यहीं से पॉश हो जाएगा। ये साउंड बार का कुछ म्यूज़िक के और तीन ऑप्शन दिए गए, जैसे म्यूज़िक मोड पर लाएंगे तो एक अलग थोड़ा सा साउंड चेंज होगा, न्यूज़ पर लाएंगे थोड़ा अलग, और मूवी के लिए एक अलग दिया गया है। ट्रिबल यहाँ पर प्लस माइनस दिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 3D सराउंडिंग साउंड का ऑप्शन दिया है, क्लिक करने का 3D साउंड आता है। बेस प्लस माइनस दिया गया, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये बोट का एक दिया गया, ये देखिए बोट की ब्रांडिंग दी गई है। ये वूफर है यहाँ पर, ये देखिए वूफर जो है 80 वाट का दिया गया है, यहाँ पर वूफर इसका ये दिया गया है, एक जाली सी दी गई है जो काफ़ी अच्छी दी गई है। और इसके बैक पैनल पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एक मिनट मैं आपको इसको पूरा दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा मैं आपको, ये देखिए ये पीछे वूफर का ऑप्शन दिया हुआ है, ये सब इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो ब्लिंक हो रही है लाइट आपको दिख रही होगी, यहाँ पर ये WPS वाईफाई का ऑप्शन बना हुआ है, ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। ये जो USB का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये इसे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये केवल कस्टमर केयर के लिए है। अगर आपका सब वूफर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसमें कोई फॉल्ट आती है, तो ये अपना ड्राइवर सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसको कर सकते हैं। 2.0 चैनल सराउंडिंग स्पीकर सिस्टम है, मॉडल नंबर बोट अवंटी बार 2000 जो कि दिया गया है। पावर सोर्स AC अडाप्ट, AC ऑटो करंट है, 110-240 वोल्ट के साथ में, 15 और 16 GHz पर है। आउटपुट जो पावर सोर्स दिया है 160 वाट का है। अच्छा हाँ, मैं आपको एक वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको HDMI आर्क और ऑप्टिकल केबल के बारे में बताऊंगा। जो HDMI आर्क है, इसमें जो आपने पीछे देखा होगा बोट साउंड बार है, इसके ठीक पीछे आपको पोर्ट मिला होगा HDMI का, वहां पर आर्क लिखा है। आर्क का मतलब ये है कि जो HDMI आर्क है, ये आपको TV या अगर आप TV में कनेक्ट करें तो TV के थ्रू, और बोट के जो HDMI आर्क है TV से आपका कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये TV है तो TV में भी आपका HDMI आर्क होगा। आर्क से आपकी साउंड क्वालिटी बेटर हो जाती है, अगर दोनों में जब ये सपोर्ट करेगा तभी जो है आपका वर्क करेगा। तो ये ध्यान रखें कि जब HDMI आर्क लगा रहे हो तो दोनों में सेम होना चाहिए, और उसके बाद आप TV में सेटिंग में जा करके साउंड में सेटिंग में जाएंगे, वहां पर स्पीकर्स में जाएंगे, सब में अलग अलग होता है, मैं एक जनरल बता दे रहा। स्पीकर में जाने के बाद वहां पर PCM सेलेक्ट कर लीजिएगा, और एक जगह आएगा या तो HDMI आर्क जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके TV का साउंड बंद हो जाएगा, और वहां से आपको आपका स्पीकर का साउंड चालू हो जाएगा, जहां से आपको साउंड की क्वालिटी एक बेटर मिलने लगेगी। तो ये था HDMI आर्क का बेनिफिट। ऑप्टिकल केबल भी सेम इसी तरीके को, उसमें क्वालिटी में ये है कि सेम प्रोसेस यही है। ऑप्टिकल केबल में ये रहेगा कि एक वायर रहेगी, उसमें एक हल्का सा बल्ब जैसा लगा रहेगा, जैसे आपने देखा होगा
लैपटॉप के माउस में हल्की सी लाइट जलती रहती है सेंसर बेस पे, वैसे ही एक लेजर लाइट की बीम जैसी आग बनी रहेगी आगे। उस वायर में जो लेजर लाइट के थ्रू ही टेक्नोलॉजी दी गई जिसको ऑप्टिकल बोलते हैं, उस वायर में दोनों तरफ जब मैं उस वायर को कनेक्ट कर दूंगा, मतलब जैसे बोर्ड के ऑप्टिकल केबल में और जो टीवी का ऑप्टिकल वायर है उसमें कनेक्ट कर दूंगा, तो दोनों में आपका ये वर्क करने लगेगा, यानी कि उस रेस के थ्रू ये जो है साउंड आपको आउटपुट मिलने लगता है। यहाँ से सेंडर रिसीवर को भेजता है और रिसीवर वहां से फिर सेंडर के पास दोनों को इंटरेक्चुअल करता है, देन उसके बाद साउंड जो है वो आउटपुट देता है, फिर आपको बढ़िया सा साउंड मिलने लगता है। तो ये था आप HDMI आर्क और ऑप्टिकल केबल में दोनों में जानकारी और डिफरेंस भी। तो चलिए अब कुछ आपको साउंड टेस्ट करके बता दे रहे हैं, और मैंने वादा किया था कि पिछली वीडियो में आपको HDMI आर्क के बारे में बताऊंगा और ऑप्टिकल केबल के बारे में, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ रह गई है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। चलिए आप कुछ साउंड टेस्ट लेते हैं बोट साउंड बार के।